और आजकल पाकिस्तान के मीडिया को देखकर वो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तौबा तौबा, 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए। तौबा तौबा, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। तौबा तौबा, पाकिस्तान की फौज ने जो आसमान के ऊपर से भारत का जहाज जमी बोस कराया है। तौबा तौबा, पाकिस्तानी आवाम ने जो अभिनंदन के पिछवाड़े छित्तर लगाया है। तौबा तौबा, अभिनंदन ने जो भारत को दुनिया में रुसवा कराया है। तौबा तौबा, पानी में लटकता पानी पानी शर्म से शराबूर अभिनंदन असला होने के बावजूद भी कुट खाता रहा। तौबा तौबा, पाकिस्तानी फौज ने जो चाय पिला के अभिनंदन से पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तारीफ करवाई है। तौबा तौबा, अभिनंदन ने जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फौज की तारीफ करके इंडिया को जवाल और मीडिया को लानत दिखाई है। तो बात। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ध्यान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। मुंह की बक बक से पंखा भी नहीं हिलता, अभिनंदन से तो अच्छा खोता जो खिदमत करके सोता। और अभिनंदन से तो अच्छा खोता जो मार खा के भी नहीं रोता। तो मुंह की चाय से अगर बच्चे पैदा हो तो भारत के आधी आवाम मेरी औलादों में हो, लेकिन उसमें भी ये खोता अभिनंदन नहीं होता। पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों भारतीय फिल्मों पर भी सवाल उठाया, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जिस जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। जितना नंगा नाच तुम फिल्मों में दिखाते हो, जितना नंगा नाच तुम फिल्मों में दिखाते हो, पैसे लेकर उससे ज्यादा हम इसे मरवाते हो। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। तो हमारे अदनान सामी को तो सलाम के भारत में रहकर गा गा के भारत की बजा रहा है। ये ISI का शेर भारत में नगमे गा के बंबू भारत के पिछवाड़े पीठ में छुरा देकर के फंसा रहा है। तो अदनान समी है तो आज भारती, लेकिन पहली टट्टी और पिशाब इसकी मां ने पाकिस्तान में कराई है। और अदनान समी को पैदा करने के लिए पहली बत्ती अदनान समी के बाप ने पाकिस्तान में बुझाई है। और तुम लोगों ने हमारी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा पर भी इन दिनों सवाल उठाया। क्या कहा तुम लोगों ने कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती है? अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शर्फ के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या? अपने इमरान चाचू को कहो कि तुम्हारे यहाँ भी फिल्म दिखाए और कम से कम टॉयलेट की हालत ठीक हो सके। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट की हालत बताते हुए और तुम्हारी हालत बताते हुए। ज्यादा खेतों में इज्जत लुटवाते हो, अगले मुतर बेटियों को खेतों में भगवाते हो। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे। तौबा तौबा, तौबा तौबा, ऐसे नहीं कहते, बुरा लगे। आपके दिल में कश्मीर के लिए रहम नहीं तो तू तो कश्मीर में रह के जालिम बन के कश्मीरियों के लिए हर जाई है। तो तुमको मिसिस टंडन ये पैगाम के दिल में मेल ना रखिए, आइए गले लग जाइए, बगैर स्पॉन्सर अयाज मेमन मोती वाला से बच्चे लेकर जाइए, भारत में पलवाइए, फौज में जमा कराइए, पाकिस्तानी नारा फौज में रहकर पाकिस्तानी बच्चे से लगवाइए और भारतीय फौज में हमारे बच्चे को जमा कराकर भारत के पिछवाड़े बंबू फंसवाइए। तो ये अभिनंदन ने जो पाक फौज को सलाम, जिन्होंने कोयटा की चाय पिलाई है और अभिनंदन से पाकिस्तान के लिए तारीफ करवाई है, पाक फौज के लिए काबिले हुसन बात करवाई है। और अभिनंदन, तूने कम से कम अच्छे बोल पाकिस्तान में चाय पीकर जो इंडिया के पिछवाड़े आग लगाई है। तो अभिनंदन, तूने तो भारत को दिन दिहाड़े रुसवाई कराई है। पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. तो आप लोगों से सवाल का जवाब मैं अब की अगली वीडियो में भी देता रहूंगा। तो भारत इंसान का बच्चा बन, समझ जा, तेरे को समझा रहा हूँ, वरना फिर ये ना हो कि हमारा मच्छर तेरे पिछवाड़े
पे काट कर तुझे जहन्नम रसीद कर दे। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। मच्छर की गांड में अगर उंगली करोगे तो मच्छर मलेरिया देके तुमको आसमान पे पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी गांड होती नहीं है। तो तुमको इज्जत से समझा रहे हैं भारतीयों, समझ जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ। अगर हमने कराची के मच्छर भी छोड़ दिए ना जो हम अफजाइश करते हैं हमारे मरने के लिए, बीमारियों के लिए, तो सिर्फ ये मच्छर की फौज हमारी सियासतदानों ने इंडिया भेज दी। कसम खुदा की हर गांड पे हमारा मच्छर चक भरेगा और तुम लोगों को कब्रिस्तान भैंस चोदो पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड फर्स्ट किसिंग फायर चैम्बर लोडा विद कॉलर किसके साथ? In association with Doha Jewelers, Sadar Bohri Bazaar, Gold Purity Brand, the name of trust. Doha Jewelers and Lawn पेश कर रहा है अवाम की फलाह बहबूद के लिए सुनहरा मौका। अब आप अपने पुराने जेवरात अमानत में देकर बासानी बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सोने के जेवरात आसानी के साथ पर भी दस्तयाब हैं। तो आज ही दोहा ज्वेलर्स तशरीफ लाएं और इस ऑफर से फायदा उठाएं। जब जिंदगी में हो किसी अपने की जरूरत, दोहा ज्वेलर्स एंड लॉन है आपके साथ।